आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामजी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, सांसद दुष्यंत सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री सावर जी और राजेंद्र जी गहलोत, विधायक बंशीधर जी, रणवीर जी, पूर्व विधायक जीताम जी और इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष रेणुवा जी, यहाँ उपस्थित इतनी सारी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि इस गर्मी के अंदर भी आप लोगों ने हम सबकी राह देखी और इतने प्यार से आपने हम सबका स्वागत किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। डेरा जीतगढ़ के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए, सब बुजुर्ग भाई इकट्ठा हुए, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ इकट्ठा होके आप लोगों ने भी हमारा हौसला अफजाई की। ये मेरे छठा चरण है और 8000 किलोमीटर पूरा कर लिया है। ये 125 मीटिंग अपनी पूरी हुई है, 126 मीटिंग आज अजीतगढ़ में हम करने जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के इस ऊर्जा को देख के, आप लोगों के इस ताकत को देख के, कुछ तो आपकी ऊर्जा और ताकत को लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि 16 जून को एक बहुत बड़ा उत्तराखंड के अंदर हादसा हुआ, आप लोगों को सबको मालूम है क्योंकि आपने टेलीविजन पे भी देखा, आपने उसको अखबार के अंदर भी पढ़ा। और मैं आप लोग सबको बताना चाहती हूँ कि हजारों की संख्या में वहां के लोग बह गए और उन लोगों के साथ साथ उनके गांव तो बह गए, उनके कस्बे भी बह गए, उनका मंदिर भी बह गया, परंतु उसके साथ साथ हमारे राजस्थान के भी हजारों की संख्या में लोग बह गए। वहां के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के अंदर लगे कि नहीं लगे, परंतु गुजरात के मुख्यमंत्री वहां आए, चार प्लेन लाए और चार प्लेन में हम अपने 1500 लोगों को वहां से उठा के ले गए। आज 15 दिन होने को आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने मुश्किल से कल एक प्लेन भेजा है और वो भी क्योंकि वो जानते थे कि मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी और इन सब चीजों को उठाऊंगी। वो जानते हैं कि 15 दिन हमारे लोगों को किसी किस्म की मदद नहीं मिली। आज सड़क पे उतरने के, ढोंग करने से, नाटक करने से कोई मतलब नहीं होता। अगर पहले ही अगर काम कर लिया होता तो मालूम नहीं हमारे राजस्थान की कितने जनता की जान बच जाती और वो हमारे घर आ जाते। मैं अभी जयपुर के अंदर क्षेत्र के अंदर दौरा कर रही थी, स्पीकर हाउस में मैं गई, वहां अभी अभी लौटे 300 लोगों के बीच में मैं गई, 300 लोगों ने रो रो के जो अपनी कहानी बताई, किस तरीके से भूखे सोए, कितने दिन उनके निकल गए, कोई उनको बचाने वाला नहीं था, किसी के पास जा नहीं सके, बीमारी की वजह से दवाई नहीं थी, डॉक्टर के पास नहीं जा सके, ऐसे हालात के अंदर हमारे बेचारे राजस्थान के लोग निकल के गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जो उनके बीच में जा नहीं सकता, जो उनकी मदद कर नहीं सकता, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक है? कोई हक नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज 4.5 साल के बाद मैं देख रही हूँ, मैं अजीतगढ़ को ही देख रही हूँ, अजीतगढ़ के अंदर सब लोगों का यह कहना है कि सबसे पहले हमको पीने का पानी का इंतजाम कर दो। इतना पुराना कस्बा है, आज का कस्बा नहीं है, कल का कस्बा नहीं है, पुराना कस्बा है और आज इस कस्बे के अंदर पीने का पानी नहीं है। अब मेरे को बताओ माताएं बहने, क्या है ये स्थिति? इसी तरीके से बिजली की स्थिति है, बिजली आपको मिल रही है क्या माताएं बहने? आप लोगों को बिजली मिल रही है क्या? बिजली नहीं मिल रही है। किसान भाई, बिजली आपको 8 घंटे मिल रही है क्या? ये तो हम लोगों के ऊपर उंगली पर उठा उठा के ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की निगाह हम पे पड़ जाए, जबकि उन पे पड़नी चाहिए, क्योंकि 4.5 साल के अंदर एक रत्ती भर काम उन्होंने नहीं किया। माताएं बहने, आप लोग सब अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर के अंदर बिजली नहीं आ रही, और मैं आपको ये वायदा कर रही हूँ जैसे मैंने पहले किया था, सरकार हमारी जाते जाते 18 घंटे 20 घंटे बिजली आपको घर में ला के, सिंगल फेज की बिजली ला के दी। और मैं वायदा कर रही हूँ कि हमारी सरकार आती है तो पहली दफा इतिहास में सिंगल फेज की बिजली लाने का काम मैंने किया था, वो आपके घर में 24 घंटे बिजली मैं ला के छोड़ूंगी, ये मैं आप सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। ये बिजली 5 साल के अंदर बड़ी मुश्किल से हम आप तक लाए और मुझे इसका बहुत अफसोस है कि आज माताएं बहने 22 घंटे 24 घंटे बिजली के मिलने
घंटे के बजाय 5 घंटे 6 घंटे वो भी मुश्किल से आप लोगों को मिलती है ट्रिपिंग की वजह से। डॉक्टर आपके अस्पताल में है क्या अस्पताल में? मेरे को ये बताया जा रहा है कि जो चिकित्सा की स्थिति आपकी स्थिति है वो मरीजों की लूट खसोट, आप नहीं जाओ मरीजों की लूट खसोट, बिना लूट के मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। पूर्णे पूर्ण आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई महिला डॉक्टर है? जहां भी मैं गई हूं 6 सप्ताह हो गए, 5 सप्ताह के अंदर माता बहनी गए वो महिला डॉक्टर नहीं मिली। और हमारी महिलाओं को आज क्षेत्र को छोड़ छोड़ के सीकर जाना पड़ता है, क्षेत्र जाना पड़ता है। अपने अस्पतालों की ऐसी जर्जर हालत है कि उसमें तो जानवर भी आप नहीं ले जाओगे। आज यह स्थिति है, ये तो अस्पताल की स्थिति है। आप बताओ यहाँ भाई हो टीचर मिल रहे हैं क्या? आपके यहाँ टीचर है क्या? मैं तो देखते आ रही हूँ कोई कोई आपके स्कूल ऐसी ऐसी हालत है कि वहाँ उसके अंदर 2 बच्चे नहीं आते। और अगर आप पूछ लो तो क्या हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि हमारी इतनी जर्जर स्थिति है, हमारे यहाँ टीचर्स नहीं है कि हमारे बच्चों को, जो जिनके पास पैसा है वो बेचारे जाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल तो ना भी नहीं। और ये पहली सरकार है जिसने सरकारी स्कूल को बंद करने का काम किया है। हम लोगों ने तो खोले थे और ये कह के खोले थे कि ढाणी है, दूर दूर की ढाणियां हैं, हमारे बच्चे दूर दूर की ढाणी से यहां तक नहीं आ सकते हैं। चलो कोई हर्ज नहीं, 50 बच्चे क्यों ना आए, परंतु हम ऐसे स्कूल खोल दें, ऐसे टीचर उनको दे दें ताकि ढाणियों के अंदर भी वो अपना पाठ पढ़ सके। आज वो स्कूल बंद हो गए, हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहां? वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कॉम्पिटिशन में बैठ नहीं सकते। उनको टेट का एग्जाम, आजकल ही टेट का एग्जाम बहुत जोरदार चल रहा है, सब लोगों को कह दिया गया कि टेट के एग्जाम में बच्चे बैठेंगे। डॉक्टर के लिए तो 1 परीक्षा या 2 परीक्षा और टीचर बनना है तो 5-5 परीक्षाएं। अब बताओ जी, और कौन सा टीचर बन के जाएगा? आज तक कितने टीचर इन्होंने बनाए हैं ये कोई बताए मेरे को? मैं जब पता करती हूँ तो अपने समय के अंदर 10 लाख लोगों को अगर हम नौकरी दे सकते थे तो इस सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी, कोई बताए मुझे? इसलिए नहीं दी क्योंकि उनका मन नहीं था, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, उनको राजस्थान के लिए काम नहीं करना है। मैं आपको ये कह रही हूं कि आप लोग सबका साथ होगा तो मैंने कह दिया कि राजस्थान का पूरा परिवार, 36 के 36 कौम, इसमें सब मजहब मिलके बैठ के सब चांद चलेंगे, एक प्यार के भाषा के अंदर हम लोग सब बनेंगे, हम लोग सब निकलेंगे, तब राजस्थान एक नया राजस्थान बनेगा। आज राजस्थान के नाम पे हमको सबको शर्म आती है, हमको ऐसे कट्टे में डाल के रखा है। 53 साल के राज के बाद एक छत्र राज हम लोगों ने कांग्रेस वालों को राजस्थान के अंदर दिया। ये स्थिति है, न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न टीचर है, न डॉक्टर है, न नौकरी है, कुछ भी नहीं है। और ये हमारी 53 साल के बाद है। अरे भाई और बहनों, अगर 53 साल भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों को मिल जाता तो चमन होता राजस्थान, ये मैं आपको कह सकती हूँ। बाजू में लगा हुआ आपका गुजरात, आप लोगों ने 15, उनकी जनता ने 15 साल दिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात को दुनिया के अंदर एक मिसाल बना के रख दिया। बना के नहीं, एक तरफ मध्य प्रदेश 10 साल उनको मिले, 10 साल के अंदर उन्होंने देश के अंदर मिसाल बना के रख दिया मध्य प्रदेश को। और राजस्थान 53 साल के बाद आज आप देख रहे हो खोखले खोखले, आंखें ऐसी दुखी दुखी, माताएं बहनें ऊपर देख नहीं सकती, उनकी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, माताओं बहनों को सड़क पे ऊपर चलना दुश्वार है। आप लोग सब जानते हो कि बच्ची अगर स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है तो कैसा दिल धड़कता है जब तक वापस नहीं आता, क्या माताएं बहनें, दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है? कितना डर लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जोरदार अत्याचार अगर महिलाओं के ऊपर कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा अगर कहीं मुसीबत हो रही है एसटी और एससी के ऊपर तो 3रा नंबर है देश के अंदर राजस्थान। अब मुझे बताइए कि जब एसटी और एससी महिला पुरुष बच्चे किन्हीं को भी इन लोगों ने सवार के नहीं रखा है तो क्या ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? तो हमारा मौका आएगा भाई और बहनों, और मैं आपको यह कह रही हूँ कि 4 महीने के अंदर जहां जहां मैं गई हूँ, जो जो मैंने कहा है, मेरे पीछे पीछे ऐसी खैरातें बटी हैं, ऐसी सौगातें मिली हैं। मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ, बताओ क्या चाहते हो,
वही मैं मीटिंग में बोलूंगी, मैं चली जाऊंगी, वो सौगात आपको मिल जाएगी। मैं मेरे सामने आप ये देखिए, जब से यात्रा चालू हुई तब से लैपटॉप 6,000 रुपया मेरे सामने सामने आपके और वो जो स्कूल और वो साइकिल की बात है उसको पैसे के हिसाब में लौटा के आप लोगों को देने का काम, पेंशन का काम, ये सब काम हम लोगों के पीछे पीछे हो रहा है। और यहां तक कि हो गया जब मैंने कहा कि पानी की जो किल्लत हो रही है राजस्थान के अंदर, तो सोनिया गांधी ले आए नागौर के अंदर बड़ी स्कीम का, अब वो होना ही नहीं है, ये 4 महीने के अंदर होना नहीं है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। और जो काम उनको करना था नागौर के अंदर, 2,000 करोड़ रुपए मैंने छोड़ दिया था और ये वायदा किया था कि पूरे नागौर में पानी पिलाऊंगी, जाने से पहले 780 करोड़ की योजना पानी देके मैंने नागौर छोड़ा था। बस उनको खाली नागौर के दूसरे क्षेत्र के अंदर पानी फैलाने की जरूरत थी, वो भी नहीं कर पाए। और जब डर लग गया तो सोनिया गांधी को ले गए, ले जाओ भैया सोनिया गांधी यहाँ आके अपना पत्थर लगा के चले जाओ, बस पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। मैं तो समझती हूँ कि इसके बाद जब ट्रक लेके चलेंगे तो मुझे मालूम नहीं कितने 100 ट्रक भर जाएंगे उन पत्थरों के साथ। सूरतगढ़ में पहुंची तो मुझे बताया गया कि सूरतगढ़ में भी सोनिया आ रही है, साइकिली आ रही है, बिजली ताप घर का भी शिलान्यास करके करने आ रही है। तो पहले क्यों नहीं किया, 3 साल पहले 2009 में उसको स्वीकृति दे दी थी, तो क्यों नहीं दिया, पैसे बनाने का काम चल रहा था, तो इसलिए 3 साल रुक गया। और जब हुआ, जब हम लोगों ने घोषणा की, अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 साल कोई काम नहीं करना, मौज मस्ती करना, अपने जेब भरना, अपने बच्चों को अपने परिवार को आगे बढ़ाना, ये राजस्थान के परिवार की तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया, कभी पूछा? ये सब हमारे बच्चे, ये सब हमारी माताएं बहने, ये सब हमारे बुजुर्ग, ये सब हमारा परिवार, और आज ये परिवार सड़क पे और उनका परिवार और सोनिया गांधी का परिवार देश का दामाद, नाम है रॉबर्ट वाड्रा, जानते हो आप, देश का दामाद है। और देश का दामाद आया था हमारे राजस्थान में, गया बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में हमारे मुख्यमंत्री आगे आगे दौड़ते हुए, कितनी जमीन चाहिए, 1,000 एकड़ जमीन, आप ये समझिए 10,000 हेक्टेयर कितना होता है, कितना हक हुआ, 10,000 हेक्टेयर भूमि उनको दी, सस्ते में दी, महंगे में बेची, पूरा का पूरा पैसा लेके चले गए। और जो हमारे किसान मांग रहे थे कि हमको 2 बीघा जमीन दे दो, उनको एक उंगली तक नहीं दी, उनको एक रत्ती भर जमीन नहीं दी, और उनको उल्टा ये कह दिया कि आपको जमीन देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए स्वागत है। मैं पूछना चाहती हूँ भाई और बहनों, क्या हम इसको रोक सकते हैं, क्या हम रोक सकते हैं? हाँ हम रोक सकते हैं, हम रोकेंगे, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सीबीआई, मेरे पास जब कोई आया कि भाई हमारे यहाँ परिवार में मर्डर हो गया है तो आप इस सीबीआई को दे देना, मैंने कहा ये मामला सीबीआई के पास नहीं जाता, सीबीआई इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सीबीआई आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ हम लोगों के लिए है, ये सीबीआई कुछ ही लोगों के लिए है। राजेंद्र राठौड़ को बंद करा उधर, इधर गुलाब जी को बंद करने की बात शुरू की, और मुझे तो विश्वास है कि हमारे परिवार को भी छोड़ेंगे नहीं, लगे हुए हैं कि चुनाव के पहले किस तरीके से इन लोगों को बंद कर दिया जाए ताकि जनता को भयभीत करके उनका वोट हम ले सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता है, राजस्थान की जनता भयभीत नहीं होती, राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती। और राजस्थान की जनता तो ऐसी स्वाभिमानी और तगड़ी जनता है कि जब महाराणा प्रताप हो या कोई भी जब भी लड़ाई लड़ी हो राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान को सामने रख के उसकी लड़ाई लड़ी। और मैं ये कहना चाहती हूँ आने वाले समय में भी उस राजस्थान को फिर से उस पैरी पे पहुंचाएंगे जिस पैरी पे उसको रहना चाहिए, सबसे ऊंचे पद पे एक दफा था राजस्थान, आज सबसे नीचे के ऊपर आ गया है। चलो भाइयों बहनों, हम लोग सब मिलके एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बनाएं जिसमें हम सब समृद्ध हो, खुशहाल हो, आप सबकी शक्लों के ऊपर मुस्कान हो, हमारा किसान मजबूत हो, हमारे बच्चे होनहार और रोजगार उनके पास हो, उनको पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत न हो, ऐसी परिस्थिति हो जाए जहां हमारे व्यवसायी, हमारे जो लोग, प्रदेश के लोग हैं, वो सब लोग खुश रहे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक ऐसा नया राजस्थान बने? आप चाहते हो कि एक नया राजस्थान बने, तो उस नए राजस्थान को बनाने के लिए क्या आप सब तैयार हो? हिम्मत है, क्योंकि आएंगे आपके बीच में, आपको डराएंगे, अभी तो लुभा रहे हैं,
ले लो, सब कुछ अपना ही माल है। आप नहीं लोगे तो ये मान के चलिए कि ये काला धन वही जो स्विस बैंक में आजकल रखा हुआ है उसी में जाएगा। ये तो इन लोगों के बैंक अकाउंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए लुभाने का मतलब नहीं है, सब पैसा अपना है लो, परंतु जब आखिर में जाओगे तो ये समझ के जाना कि ये हमारा मौका है, इनको अब हम नहीं छोड़ेंगे। जो लोग हमारे परिवार के परिवर्तन परवाह नहीं करते हैं, मैं समझती हूँ कि उनका भी परवाह हमें करना नहीं चाहिए। तो तैयार हो ना, डरोगे नहीं, डरोगे नहीं। मैंने तो कह दिया, गुलाब जी ने कह दिया, अजेंद्र जी ने कह दिया, आप सबने कह दिया, अरे आ जाओ तो सही, क्या करोगे, क्या कर लोगे। हम लोगों ने जो किया वो सब खुले आप किया। हमने जनता की लड़ाई लड़ी और हम आगे भी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर जनता की लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ा खराब चीज है तो ठीक है, आप हमको जेल में बंद करिए, पर वो जेल के सीकरों के अंदर कितने लोगों को भरोगे, कितने लोगों को भरोगे। ये पूरा परिवार खड़ा है, पूरा परिवार चल पड़ेगा, ये मैं विश्वास करके आप लोगों के बीच में आई हूं। तो लोग, साढ़े चार महीने के बाद एक मौका हमारे सामने आएगा, और उसके पहले मैं कह रही हूं कि मैंने, अगर आप लोग 36 के 36 को हमको जोड़ा और अगर मैंने सब मजहब को जोड़ा तो मैं पार्टी के भी हिस्से हिस्से को जोड़ने आई। कोई भी किसी के बीच में झगड़ा नहीं रहेगा, सब लोग मिलकर चलेंगे, सब लोग मिलकर एक आवाज में चलेंगे। क्योंकि मैंने बार बार सबको यह कह दिया है कि जनता की आवाज सबसे पहली आवाज है, वो जनता की आवाज जो भी सर्वे में निकलेगी वो सर्वे की आवाज जनता के बीच में उतरेगी, और वो बीच में उतरेगी जो जनता चाहेगी। ये जनता का मंजूर है क्या? बात रखना कि आपके सामने आएगा कमल का फूल, उस कमल के फूल को इधर से उधर नहीं होने देना है, आप लोगों को उसके साथ जुड़ना है और उसके साथ जुड़ के एक नया राजस्थान बनाने का काम करना है। और इसलिए मेरे साथ एक जोरदार नारा देना, ऐसा नारा जो इनको सबको समझ में आ जाए कि जनता में क्या सोच है। जोरदार जय जय राजस्थान, राजस्थान की आवाज हमको सुननी है, क्योंकि यही राजस्थान है। जब ये राजस्थान पक्का बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो हम सब उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जय जय।